दोस्तों साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ बेहद रोमांचक सीरियल पुनर्विवाह जी टीवी के टॉप सीरियल्स में से एक है, जिसकी कहानी तो दमदार थी ही, लेकिन उससे भी जबरदस्त थी इस सीरियल की स्टार कास्ट, जिन्होंने अपने अपने अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इस सीरियल को टीआरपी के मामले में टॉप पर पहुंचाया। इसीलिए तो इस सीरियल में काम करने वाले ये कलाकार आज टीवी जगत का एक जाना माना नाम है। लेकिन दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल पुनर्विवाह में नजर आए कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं, जो इन्हीं की तरह अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं और दिखने में भी बेहद स्टाइलिश हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर। नंबर वन, दिशांक अरोड़ा। इस सीरियल में प्रतीक सिंधिया की जबरदस्त भूमिका निभाने वाले अभिनेता का रियल नेम दिशांक अरोड़ा था, जिन्होंने अपने इस किरदार के जरिए दर्शकों से जमकर तारीफें बटोरी। लेकिन अगर बात करें जबरदस्त अभिनेता के रियल लाइफ पार्टनर की, तो बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है और ना ही वर्तमान में ये किसी को डेट कर रहे हैं। लेकिन एक समय में इनका नाम सीरियल जीजी माँ की फेमस एक्ट्रेस तन्वी डोंगरा के साथ जोड़ा जा रहा था, जिन्होंने इस सीरियल में साथ काम किया। लेकिन दिशांक अरोड़ा के पूछे जाने पर इन्होंने इस रिश्ते को महज एक अच्छे दोस्त का नाम दिया और इन दोनों के लिंकअप की खबरें एक अफवाह बन गयी। नंबर टू, लीना जुमानी। सीरियल में परिधि के चुलबुले और नटखट किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम है लीना जुमानी, जो सीरियल में प्रतीक सिंधिया की वाइफ के तौर पर नजर आई थी और इनके इस किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके हस्बैंड का नाम है राहुल सचदेवा, जिन्होंने साल 2013 में एंगेजमेंट कर अपना घर बसा लिया। बता दें कि राहुल सचदेवा प्रोफेशन से एक यूएस बिजनेसमैन है, जो अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल हैं, जिन्हें अक्सर अपनी वाइफ लीना जुमानी के साथ स्पॉट किया जाता है। नंबर थ्री, चेतन पंडित। इस सीरियल में सूरज प्रताप के सहायक किरदार में नजर आए अभिनेता चेतन पंडित इस सीरियल में यश प्रताप के पापा की भूमिका निभाते नजर आए और दर्शकों द्वारा जमकर तारीफें बटोरी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के रियल लाइफ पार्टनर की, तो इन्होंने काफी सालों पहले कनपुरिया पंडित के साथ घर बसाया था, जो कि हाउसवाइफ के तौर पर अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। बता दें कि इन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जाती हैं। नंबर फोर, गुरमीत चौधरी। सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर यश सूरज प्रताप की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने सीरियल में सूरज प्रताप की भूमिका के जरिए हर घर में खास पहचान बनाई। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड एक्टर की रियल लाइफ पार्टनर की, तो बता दें कि इन्होंने साल 2011 में अभिनेत्री देबीना बैनर्जी के साथ घर बसाया। जी हाँ, वही देबीना बैनर्जी जिन्हें आपने कॉमेडी सीरियल चिड़ियाघर में मयूरी के किरदार में देखा होगा। बता दें कि इन दोनों ने साल 2008 में आए सीरियल रामायण में साथ काम किया और आज ये दोनों ही टीवी जगत के हाई स्पीड एक्टर्स बन चुके हैं। नंबर फाइव, कृतिका सेंगर। सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर आरती की जबरदस्त भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर आज भी अपने इस किरदार के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने सादगी भरे अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। लेकिन अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री के रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2014 में अभिनेता निकेतन धीर के साथ शादी रचाई, जो कि टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता हैं, जिन्हें नागार्जुन जैसे सीरियल के साथ साथ चेन्नई एक्सप्रेस जैसे वर्ल्ड वाइड मूवी में अभिनय करते हुए देखा गया और आज इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में थंगाबली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको सीरियल पुनर्विवाह में इन कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।